तीर्थ करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपका मन और आपके कर्म पवित्र हैं तो आपका मन ही आपका तीर्थ है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत खास है आप सभी के लिए, यानी मकर राशि वालों के लिए। नवंबर माह कैसे रहेगा, मंथली प्रडिक्शन, मासिक राशि फल, आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो किस तरीके से है, आपके ग्रहों में जो फेरबदल है वो किस तरीके से है, आपको क्या फलाफल देंगे, आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो किस तरीके से आपके लिए रहेंगे, और लास्ट में आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गरीब हैं, विद्यार्थी हैं और बीमार हैं तो आप हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में फ्री प्रडिक्शन ले सकते हैं, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। आपकी जो है मकर राशि बनती है और आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी राशि का स्वामी क्या है, क्या आपको पता है, यानी मकर राशि के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, कर्म फलदाता। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती भी चल रही है जो 2025 में अप्रैल में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, शनि की उतरती हुई साढ़े साती आपको विशेष फलाफल देगी, और वो कब देगी, जब आपका जो ध्यान है, आपका जो कर्म है, आपकी जो पूजा पाठ है वो शनिदेव के प्रति होगी। शनिदेव को आप यदि मानते हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपको जो है यदि आप कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं तो फल आपको तत्काल ही मिलता है, क्योंकि आपका कर्म बहुत अच्छा होता है बिना फल की इच्छा किए हुए। तो आपकी जो है मकर राशि बनती है, आपके जो है चंद्रदेव जो है हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और 1 माह में पूरी 12 राशियों में घूम जाते हैं। शनिदेव आपके सेकेंड हाउस में, राहुदेव आपके थर्ड हाउस में, देव गुरु बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में, मंगल देव 7th हाउस में, केतु देव 9th हाउस में, सूर्य देव आपके 10th हाउस में और शुक्र के साथ बुध आपके 11th हाउस में विराजमान है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके जो है सबसे पहले स्वास्थ्य की, यानी स्वास्थ्य शरीर की परम निधि होती है, स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही। कुंडली में शनि और घर में मणि, यदि ये सब सही है तो आपका जीवन बहुत सुंदर बीतता है। जी हाँ दोस्तों, यानी टका धर्मम टका कर्मम, टका ही परमम तपः, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक जायते। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। दीपावली आने वाली है, दीपावली में आप लक्ष्मी का पूजन अच्छे से करिए तो आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा, लक्ष्मी आपके पास टिकेगी भी। और दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रणी बधाई। दोस्तों, तो सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम की आपकी बात कर लेते हैं कि आपका जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यानी मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, सेकंड हाउस में विराजमान है और साथ में जो है शुक्र और बुध ये जो है आपकी डिजायर स्थान में है, यानी मित्र राशि में है, तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पर मंगल देव नीच के हैं और केतु देव 6th हाउस में, तो आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जंक फूड खाने से, आपका बाह्य जो बाहर का जो खाना है उसको कम करें, जंक फूड आप कम करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। योगा मेडिटेशन जरूर करें, आप जो है मॉर्निंग वॉक जरूर करें, एक सेब जरूर खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होगे। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी, यानी यहाँ के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं और बुध के साथ में विराजमान हैं। बुध वाणी के कारक होते हैं और शुक्र आपके अट्रैक्शन के कारक होते हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में, हालांकि नीच के हैं लेकिन विद्या और बुद्धि के कारक हैं और साथ में ग्रहों के गुरु भी हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, यानी कब तक, यानी विशेषतर यहाँ पर जो है 7 नवंबर को शुक्र धनु राशि में व्यय भाव में आ जाएंगे, या फिर 7 नवंबर से पहले
आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल करना चाहते हैं 7 नवंबर से पहले कर लीजिए। यदि आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं 7 नवंबर से पहले, बहुत सुंदर है। यदि आप विदेश गमन करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए, बीएमएस के लिए और बीए के लिए, आप कुछ भी जैसे कोई भी हायर एजुकेशन के लिए आप अगर प्रयास करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 7 नवंबर से पहले पहले बहुत शुभ योग बनते हैं। बाद में भी अच्छे हैं लेकिन उतना शुभ नहीं है, क्योंकि देव गुरु जो बृहस्पति है वो यहाँ पर नीच के हैं और साथ में यहाँ जो शुक्रदेव है वो व्यय भाव में यहाँ पर आ जाएंगे। और 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, यानी जाने का स्थान होता है, खर्चे का स्थान होता है। तो इसलिए आप जो है 7 नवंबर से पहले पहले अपनी पढ़ाई लिखाई का, जो है अपने एडमिशन का, हायर एजुकेशन का, बाहर जाने का, विदेश गमन का, आप कुछ भी एक्स वाई जेड अपनी पढ़ाई से रिलेटिव कर सकते हैं और आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी पंचम भाव से ही पढ़ाई के बारे में तो देखा ही जाता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ से आपके प्यार प्रेम यानी आपकी लव लाइफ के बारे में भी देखा जाता है। तो आपकी जो लव लाइफ है वो किस तरीके से रहेगी दोस्तों, यहाँ के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव यहाँ पर हैं, साथ में मंगलदेव सप्तम भाव में हैं, तो आपकी जो लव लाइफ है वो सुंदर होने वाली है, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आपके अपोजिट साथी का जो है आपके प्रति जो विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, आपसी जो विश्वास है उसमें थोड़ा सा जो है मतभेद हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकती है। तो आपकी जो लव लाइफ है वो कहाँ तक, यानी 7 नवंबर तक, यानी बहुत ही शुभ है। जिन लोगों का प्यार प्रेम नहीं था, प्यार प्रेम होगा। जिन लोगों के आपस में बन नहीं रही थी, बनेगी। यानी जो लोग घूमना फिरना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग घूमना फिरना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है। और दूसरी चीज जो है, यदि आप जो है बाहर गमन करना चाहते हैं और अपने लव लाइफ के साथ में जो है अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, 7 नवंबर तक बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत कारक है, यानी आपसी फाइट हो सकती है, आपसी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मानसिक कष्ट हो सकता है और फाइट हो सकती है, जो कि थोड़ा शुभ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। आपके जो है वैवाहिक यानी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी आपकी, यहाँ पर मंगल देव है दोस्तों, और मंगल देव जो है फायर प्लेनेट है और आपके जो है सेना नायक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपसी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपसी छोटी-छोटी बातों पर जो है विचार विमर्श हो सकता है, परेशानी आ सकती है, आपसी फाइट हो सकती है, मन में विकार पैदा हो सकते हैं, आपके अपोजिट साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बचना होगा, क्योंकि जो है मंगल देव का आपको पूजन जरूर करना चाहिए, साथ साथ में मंगल देव से रिलेटिव दान जरूर करना चाहिए। वो क्या करना है लास्ट में बताऊंगा आपको। और इसके साथ साथ में जो है आपसी जो सामंजस्य है उसको बनाए रखना है। यदि पहले से कोई कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी उसमें आपको सही तरीके से काम करना होगा। यदि आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो संतान के लिए भी थोड़ा सा विलंब लग सकता है, लेकिन प्रयास करने से, उपाय करने से सब कुछ अच्छा होगा। और आगे आपका जो है यानी मिड नवंबर के बाद आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, शुभ चलेगी, अच्छी चलेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके भाग्य और करियर के बारे में। यानी भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं आपके यानी बुधदेव और करियर स्थान के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। यानी भाग्य और करियर के मालिक एक ही स्थान में मित्रवत विराजमान हैं। तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देने वाला है। हालांकि वहां पर केतु है, थोड़ा विचलित जरूर करवाते हैं, यानी आपको थोड़ा सा जो है जो कार्य होने वाले हैं उसमें आपको थोड़ा संदेह रहेगा, यानी होगा भी कि नहीं भी होगा, यानी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा विलंब जरूर लगेगा, लेकिन कार्य फिर भी होगा, क्योंकि यहाँ आपके डिजायर स्थान में जो है आपके आय स्थान में बुध देव हैं, यानी भाग्य स्थान के मालिक। तो आपका कार्य येन किन प्रकार से पूरा होगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। यदि आप जो है किसी शुभ कार्य में, यदि आप जो है घर का कार्य रेनोवेट करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, यदि आप जो है भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं, घर का रेनोवेट करना चाहते हैं, तो बहुत शुभ योग है, अच्छा है, आप कर डालिए तो शुभ रहेगा, भाग्य उदय होगा आपका, शुभ कार्य मांगलिक कार्य भी होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर स्थान के मालिक शुक्रदेव बनते हैं, वो भी आय स्थान में है और बुध के साथ में है, तो आपका जो करियर है वो अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्यदेव वहां पर नीच के बैठे हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रमोशन है वो थोड़ा विलंब से होगा, आपका जो आगे बढ़ने का क्षेत्र है वो थोड़ा विलंब से होगा, साथ साथ में आप जो है कहीं बाहर जाना चाहते हैं वो थोड़ा विलंब से होगा, साथ में आपका जो प्रमोशन पहले से दिक्कत में था उसमें भी थोड़ा विलंब हो सकता है। इसके साथ साथ में आपको जो है आप जॉब कर रहे हैं
और वहां पर स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप सामंजस्य में थे कि मैं स्थान परिवर्तन करूं, मैं अपने कार्य में जो है अपना कार्य करूं या जॉब करूं, तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव अभी नीच के हैं, इस माह आपको रुक जाना चाहिए। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप दिसंबर माह में ले सकते हैं, तो आगे के लिए युति आपकी शुभ बनेगी। थोड़ा राजनीति से आपको बचना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा, तो बहुत शुभ योग आपके बनते हैं दोस्तों। जिन लोगों की नौकरी नहीं थी यानी मिड नवंबर के बाद, नौकरी के चांसेज भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे यानी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्यदेव की जो है जो नीच के ग्रह हैं वो हट जाएंगे और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, तो नौकरी में प्रमोशन होने का योग, नौकरी लगने का योग, इन्वेस्ट करने का योग और शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का योग। यदि आप ऑयल से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आप शेयर मार्केट क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आप हॉस्पिटल क्षेत्र में काम करते हैं, तो इन सभी में आपका मिड नवंबर के बाद शुभ योग बनता है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यापार और बिजनेस की। यहाँ पर जो है मंगल देव हैं और साथ में ऊपर से शनि देव की स्थिति है और लग्न भाव में भी मंगल की स्थिति बनती है। ऐसे में जो है आपका जो व्यापार और बिजनेस है वो शुभ चलेगा, अच्छा चलेगा। आप प्रयास अच्छा रखिए, अपनी मन वाणी को अच्छा रखिए, क्रोध की अधिकता को कम करिए, तो आपका व्यापार दौड़ेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो था साथियों आपके व्यापार बिजनेस भाग्य कैरियर स्वास्थ्य के बारे में। साथ में बात कर लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। उपाय में आपको जो है मंगल देव के बीज मंत्र जो ओम क्राम क्रीम क्रोम सब होमाय नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर करिएगा। साथ में जो है सूर्य को अर्घ्य आपको जरूर देना है, क्योंकि सूर्य आपके नीच के हैं। इसके साथ साथ में यदि पहन सकते हैं तो देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि में है, बृहस्पति का पुखराज आप जरूर धारण कर लीजिए, और साथ में कुंडली में यदि काल सर्प दोष बनते हैं तो काल सर्प दोष का पेंडेंट भी आप धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।